Summers were sent through the parliament as Home Minister Amit Shah announced that Article 370 that grants special status to the state of Jammu and Kashmir will be abrogated. The House descended into chaos after Amit Shah put forth the centre's resolve to withdraw this controversial provision, which opposition leaders stress is the bridge that connects Kashmir to the mainland, and any dilution in the privileges could distance Kashmiris. The BJP took the daring step to revoke the Article 370 after the previous weeks saw massive troop deployment to the valley, and Section 144 was imposed in Kashmir today as a precautionary measure in anticipation of possible unrest. More updates will follow. मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ये सदन अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। संविधान के समय समय पर संशोधित बिना किसी संशोधन और अपवाद के जम्मू और कश्मीर राज्यों पर लागू होंगे। इस बात के सिवा अनुच्छेद 152 अथवा अनुच्छेद 301 में नहीं किसी अपवाद अथवा इस संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद अथवा जम्मू और कश्मीर संविधान के किसी अन्य उपबंध अथवा कोई कानूनी दस्तावेज निर्णय अध्यादेश अंतरियम नियम विनिमय अधिसूचना नीति रिवाज अथवा भारत के भूभाग में कानून के प्रवर्तन अथवा कोई अन्य लिखित संधि अथवा समझौते जैसे अनुच्छेद 363 के अंतर्गत परिकल्पित हो अन्यथा न हो। माननीय सभापति महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सभा भारत के राष्ट्रपति की दिनांक 19 दिसंबर 2019 की उद्घोषणा के अनुरूप जम्मू और कश्मीर की राज्य की विधायी 27 सदन में नियुक्त होने